दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है धोखा। और इस मूवी के लीडिंग कास्ट में मौजूद थे गोविंदा, सलमान खान, करिश्मा कपूर, अरुण गोविल, टीनू आनंद, अनुपम खेर और मुकेश खन्ना। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे मुकेश दुग्गल। आप बात करें इस फिल्म से जुड़े यूनिक कास्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो धोखा फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट ने इस फिल्म के लिए बेहद इंटरेस्टिंग कास्टिंग की थी, जहां उन्होंने सलमान खान के साथ पहली बार गोविंदा को इस लव ट्रायंगल में कास्ट किया था और इन दोनों के ऑपोजिट करिश्मा कपूर को एज अ हीरोइन लिया गया था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि धोखा फिल्म लव ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होने वाली थी, और ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए यूनिक पेयरिंग ही सबसे बेस्ट चॉइस साबित होती है। और सिर्फ यही नहीं, सलमान खान और गोविंदा की स्क्रीन पार्टनरशिप भी काफ़ी पोटेंशियल रखती थी, क्योंकि इन दोनों का फैन बेस काफ़ी हद तक रिलेट भी करता है। और इसके अलावा इस फिल्म का टाइटल भी काफ़ी अपीलिंग था, जो मेरे ख्याल से इस कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ सक्सेसफुल फिल्म देने का हाई पोटेंशियल रख सकता था। और देखा जाए तो ये बात है साल 1993 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, और उसी साल ही इस फिल्म की शूटिंग का भी आगाज़ किया जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनाउंसमेंट के बाद ये फिल्म भी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई और किसी अननोन रीज़न की वजह से बंद हो गई। और इस तरह से सलमान खान और गोविंदा की जोड़ी 90s में एक साथ आ ही नहीं सकी। और फिर इसके 14 साल के बाद साल 2007 में सलमान खान और गोविंदा हमें पार्टनर फिल्म में पहली बार एक साथ देखने को मिले थे। तो दोस्तों, धोखा मूवी के बारे में आप सबकी क्या राय है कि सलमान खान और गोविंदा की ये मूवी अगर उस टाइम पे बन के रिलीज हो जाती तो बॉक्स ऑफिस पे हिट होती, सुपर हिट होती या फिर ब्लॉकबस्टर? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।